तो दोस्तों, सर्दियों के सीजन में क्या हमें सोलर पैनल को पर डे क्लीन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसे तो सर्दियों के सीजन में जो सोलर का जो लोड है, यानी जो हमारा जो इन्वर्टर के ऊपर जो लोड होता है वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, जिसके चलते जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपने सोलर सिस्टम को जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल ही कम कर देते हैं, क्योंकि लोड ही नहीं उतना, कि हमें उन्हें जो है उतनी पावर की डिमांड ही नहीं है, इसलिए जो है वो क्या करते हैं कि अपने जो सोलर पैनल्स है उसको क्लीन नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको जो है कुछ ऐसी जो जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आपके यह जो जानकारी है वो आपके जो बिल है, जो आपका जो मतलब जो नॉर्मल जो बिल आता है घरों में, वो आपको बिजली बिल जो है बचाने में भी मदद कर सकता है, और साथ ही जो है आपका जो सोलर पैनल है यानी जो उसकी जो लाइफ है उस पर भी आपको जो है ये इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें सोलर पैनल क्लीन ना करने से क्या होता है कि सर्दियों के सीजन में आपको पता है कि जो शीत है वो हमारा बहुत ज़्यादा जो है मतलब गिरता है, जब भी डस्ट जो है वो हमारा सोलर पैनल के ऊपर जो रहता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि सुबह के टाइम जो है वो जो डस्ट है वो गीला होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप एक कहीं भी मिट्टी है अगर आप उस पर जो है पर डे थोड़ा थोड़ा जब आप पानी डालते हो तो वो एक समय आता है कि जो मिट्टी है वो जम जाता है, यानी जब आप उसे हटाना होगा तो आप उसको या सो किसी मतलब ज़्यादा उसमें मेहनत होता है सिंपली। तो सेम उसी प्रकार से जो है सोलर में भी क्या होता है, जो डस्ट वगैरह होते हैं वो उस पर जम जाते हैं, और ये जमने का बेसिक रीज़न है क्योंकि उसको जो है शीत का जो बूंदा है वो, यानी जो पानी है जो शीत है वो उसको मिल रहा है समय समय पर। तो रात को समय में शीत मिलता है और सुबह में जो धूप है उसे सुखा देता है। तो इससे क्या होता है कि जो सोलर पैनल का जो ग्लास है वो जो है थोड़ा सा उसमें जो रुखड़ापन आने लगता है समय के साथ, ठीक है। ये चीज़ अगर बार बार होता है तो ऐसे सिचुएशन में वो उसमें जो है रुखड़ापन होने लगता है। तो उसका बेस्ट उपाय यही है कि आप जो है सोलर पैनल को पर डे क्लीन करें, और आप पर डे क्लीन नहीं करते हैं तो सप्ताह में जो है आप एक बार जो है मतलब आपके अकॉर्डिंग से आप जो है सोलर पैनल को क्लीन करें, यानी अगर आपका एरिया जो है ज़्यादा डस्टी है तो आप जो है उसे दो तीन दिन पे क्लीन करें, यदि एरिया आपका अगर जो है डस्ट फ्री है तो आप उसे जनरली एक सप्ताह में एक बार क्लीन करें। और सोलर पैनल को अगर आप हमेशा जो है वो क्लीन रहेगा उसका एक फ़ायदा यह होता है कि हमें जो है जब भी हम सोलर पैनल को क्लीन करेंगे तो हमें जो है कम से कम पानी लगता है और उसमें समय भी बचता है हमारा। और रह की बात बिजली बिल की, तो जब पैनल क्लीन होता है क्लीन करते हैं हम तो उससे जो है हमारा जो सोलर है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है और जो है जो इलेक्ट्रिसिटी जो सेव है वो ज़्यादा होता है, और डस्ट ज़्यादा रहता है गंदा रहने के सिचुएशन में जो सोलर पैनल है वो जो है उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता है जितना आपको जो है ज़रूरत हो, और जो आपका जो बिल है वो थोड़ा सा जो है स्लोली स्लोली वो राइज होने लगता है। तो मेक श्योर अगर आपके पास सोलर सिस्टम है तो इन बातों का जो है जरूर ध्यान दें, और अगली वीडियो जो है आएगी वो आएगी सोलर पैनल क्लीन करते कैसे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।